subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में शशि थरूर जैसे कई बड़े नेताओं को टिकट दे दिया है। हालांकि इस नई सूची के साथ कांग्रेस पार्टी ने कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री नबम टुंगी को अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से टिकट दिया गया है। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में कुल 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें 7 नाम उत्तर प्रदेश से, 2 नाम अरुणाचल प्रदेश से, 5 नाम छत्तीसगढ़ से, 12 नाम केरल से और 1 नाम अंडमान निकोबार से हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यूपी के कैराना से हरेंद्र मलिक, जबकि बिजनौर से इंदिरा भाटी और मेरठ से ओम प्रकाश को टिकट दिया गया है। अगर सूची में दिग्गजों के नाम की बात करें तो पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में कई बड़े नामों को शामिल किया था, जिसमें राज बब्बर जैसे कई बड़े नाम थे, जबकि राज बब्बर को मुरादाबाद से टिकट दिया गया है, जब प्रियंका दत्त को पार्टी ने नॉर्थ सेंट्रल से मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई सावित्री बाई फूले को यूपी के बहराइच से चुनाव मैदान में उतारा है। राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।